बस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तुम्हारा आज का क्वेश्चन है ये 18 क्वेश्चन। एक्सरसाइज कौन सी है? 15.1। ओके, प्रोबेबिलिटी क्लास 10। तो इसमें क्या अब बॉक्स कंटेन कितनी बॉल रख रहा है? बॉक्स में कितनी बॉल है? 90। तो उसमें से एक बॉल निकाल रहा हूं और मालूम कर रहा है प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अ टू डिजिट नंबर। ओके, पहला क्वेश्चन क्या होगा? यूस, पहले वाले का आंसर क्या होगा? टू डिजिट नंबर। तो ये होगा 10 से स्टार्ट, कितने होंगे? 10 से और कहां तक? 11 और डॉट डॉट कहां तक? 90 तक। तो कितने होंगे? तो टू डिजिट नंबर। तो ये इस तरह से निकलते हैं, ये निकलते हैं टू डिजिट नंबर आएंगे यहां से निकल के हमारे 90 - 10 + 1। यह क्या आगे आपका एनी। तो ये कितना आ गया एनी बराबर? देखो 90 - 10 क्यों करा ये, जबकि डिस्क कितनी है कंटेनर में? 90। लेकिन वो क्या मालूम कर रहा है कि एक बॉल निकाल लो जिसमें क्या हो, जिसमें टू डिजिट नंबर हो। तो वो कहां से स्टार्ट होता है? 10 से। कहां तक? 90 तक। तो ये कितना आएगा? ये बन के जोड़ा मैंने, बन के जोड़ा था, बन इसलिए जोड़ा तुमने 90 से 10 घटा दिया था, लेकिन 10 चाहिए, 10 चाहिए, इसलिए कितने नंबर है? 91। तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डिजिट नंबर इक्वल टू कितना आएगा? 81 अपॉन कितने? 90। 9 से कट कर लो, 99 जा बेटे शिवम बहुत हसरा दू। पहला आंसर आ गया, दैट इज पहला आंसर। स्वेप सेकंड, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। बस 100 आएगा, 90 तक है। ओके भाई, तो कितना आ गई प्रोबेबिलिटी इसकी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 है तो लिख दो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 9 अपॉन 90। 9 × 9 = 10। कितना आंसर आ गया इसका? कितना आ गया इसमें? 1 अपॉन 10। क्लियर है? ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? अ नंबर डिविजिबल बाय 5। सुनो, कितने नंबर होंगे जो डिविजिबल 5 होंगे? एक 5, चलो देखते हैं। अच्छा, कितने कैसे पता लगेगा कितने नंबर है डिविजिबल 5 से? तो टोटल कितने नंबर है? 5। तो 90 से, वो सॉरी, टोटल नंबर 90 है, टोटल नंबर 90 है। अगर 5 से डिविजिबल निकाल लें तो 5 से डिवाइड कर लो, तो 90 को किससे? थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट डिविजिबल बाय नंबर, डिविजिबल बाय बाय 5। क्या कितने नंबर आएंगे निकल के? 90 पॉइंट कितना? 5। तो कटेगी इतने 18 नंबर आ गए जो 5 से डिविजिबल है। कहां तक? 1 से लेकर 90 तक। तो बस, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल के? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 5, 18 अपॉन कितना? सचिन 90, 18 बन जाए 18 और 18 5 जा 90, 1 अपॉन 5 आंसर आ गया। क्लियर है एवरीवन? पॉज कर। क्वेश्चन नंबर 19, ए चाइल्ड हैज 8 आईज हुज 6 फेस, सो द लेटर्स एज गिवन बिलो ए बी सी डी ई ए, द
The dice is thrown once. What is the probability of getting? A. Number of dice. A, B, C, D, E, A. Total dice हमारे पास 6 हैं. नहीं, faces. Dice उसके face हैं. There are. टू ए. हमारे पास जो ए है वो टू है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू टू अपॉन सिक्स इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री. फर्स्ट पार्ट कंप्लीट. Probability of D is equal to 1 upon 6. ठीक है? अभी मैं कॉल करने लगी हूँ. लो, हमारे पास है. ओके गुड. समझ दूँगा. तो इसमें मैं वर्ड से रिफाइन करूँगा. ना करो. A child has a dice whose six faces. So the letter as given below. हमारे पास जो डाइस थी एक डाइस थी उसके पास वन टू थ्री हमने शो करा है ए बी सी डी में. ए बी सी डी ई ए. द डाइस इज थ्रोन वंस. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. हमें एक ही प्रोबेबिलिटी बतानी है. नंबर ऑफ डाइस इज इक्वल टू ए बी सी डी ई ए इज इक्वल टू 6. देयर आर 2 ए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 क्योंकि हमारे पास डी एक बार है और ए जो है वो हमारे पास दो बार है. तो इसको एक मिनट को यूज इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं. कोई जस्ट लिखेंगे. सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस लिखना आना चाहिए. जो सैंपल स्पेस लिखा है इन्होंने सैंपल स्पेस देखो ये हो गया नंबर ऑफ डाई फेस. कितना सैंपल स्पेस थे ये इसका सैंपल स्पेस हो गया ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई ए. इसमें नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट कितने हो गए 6. नंबर वन में क्या फाइंड करने हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और कितने ए हैं ए इंटू ए दो ए है ना दो. क्या करेंगे यहाँ पे 2.6. क्या आ गया इसका आंसर 2 1 जब और ये 3. क्या आंसर आ गया इसका 1 अपॉन 3. सेकेंड क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल टू कितना है डी कितनी बार है एक बार ओनली एक बार अपॉन कितना है 6. सचिन ने सही किया था सवाल ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें इसमें दोनों सही है. ओके थोड़ी देर शांत रहो. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरी बात सुनो. हम क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी में जो ज्यादा वाला नंबर होता है वो नीचे रखते हैं और कम वाला ऊपर रखते हैं. इट मींस जो सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स रहते हैं वो नीचे क्यों आ रहा है ना सही बोल रहा हूं मैं और ऊपर रखते हैं फेवरेबल आउटकम्स जो कम वाले होते हैं. तो यहां पे तुम्हें देख रहा होगा एक सर्कल है इसका डायमीटर कितना भाव ना 1 मीटर. कितना है 1 मीटर इसका डायमीटर है और जो तुम्हारा रेक्टेंगल बनने बड़े वाले तो पहले एक काम करो आप सर्कल का ये लिख लो आप यहां पे ये लिख दो 4 सर्कल 4 सर्कल. दो खाने बना लो आप किसके लिए 4 सर्कल और यहां किसके लिए 4 रेक्टेंगल. बेटा इसमें ये लेंथ कितनी रखी है इसकी लेंथ कितनी है इसकी रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा हूं. पहले मैं क्या निकाल रहा हूं रेक्टेंगल का एरिया और रेक्टेंगल के मतलब कि एरिया है पे मानो एस चलो एरिया मान लो एस ए लेंथ इनटू ब्रेथ ऐसा निकलता है. इस पूरे का निकालने के लिए एरिया लेंथ कितनी 3 और ब्रेथ कितनी 2 तो लेंथ कितनी 3 इनटू कितना 2 कितने नहीं लेंथ की वाली मानी जाती ब्रेथ की वाली मानी जाती
ठीक है, तो कितना एरिया आ गया इसका, 6 आ गया, कितना एरिया आ गया, 6 मीटर स्क्वायर, ध्यान रखना मीटर में स्क्वायर में आता है, क्लियर है, ओके फाइन। ये किसका एरिया आ गया, रेक्टेंगल का एरिया आ गया, क्लियर है। इसे क्या बोल सकता हूं मैं, ये टोटल है ना, इसे बोल सकता हूं मैं एनएस, क्या बोल सकता हूं इसे एनएस, क्योंकि टोटल ही है 6 मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। अब निकालो सर्किल का एरिया, कैसे निकालेंगे सर्किल का एरिया, सर्किल छोटे वाले इसका, तो भैया इसका डायमीटर कितना रखा है, डायर, इसका डायर दे रखा है उन्होंने डी बराबर 1, तो पहले निकालो रेडियस, तो रेडियस कैसे निकालते हैं, इक्वल टू इसका हाफ कर देंगे 1/2, ये क्या निकल के आ गया इसकी रेडियस, तो इसका एरिया निकाल लो किसका, सर्किल का, और सर्किल का एरिया क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि छोटा कौन है सर्किल, तो वो क्या होगा एन ई, क्या होगा एन ई इक्वल टू कितना होगा, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई और आर स्क्वायर, पाई अक्सर इसकी वैल्यू कितनी आर की 1/2 का होल स्क्वायर, क्या आ गया सर पाई गुणा कितना है 1/4, कितना आ गया पाई बटे कितना आ गया 4, तो मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, सर्किल का, और सर्किल के एरिया में क्या माना है एनी, क्योंकि ये क्या है फेवरेबल आउटकम्स है, ये किसका एरिया है रेक्टेंगल का, तो ये कौन सा आउटकम्स है टोटल वाले आउटकम्स है। अब तुमने क्या करा था, एक एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का अंदर क्या फेंका था सर्कल, तो बस ये प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी, बस पी लिख दो यार, इक्वल टू कितना है एनी, यानी ये क्या होता है ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, एनी कितने है ये रहा पाई अपॉन 4 मीटर स्क्वायर, और अपॉन में कितना है मेन अपॉन, यही है ये वाला मेन अपॉन है, और ये कितना 6, ध्यान दो यहाँ पे, हेलो मेन अपॉन कहाँ लग रहा है इधर, तो ये बताओ ये नीचे वाला ऊपर जाएगा या ऊपर वाला नीचे आएगा, जल्दी बताओ, जब नीचे लग रहा होता है ना मेन अपॉन, तो ये वाला नीचे आ जाता है, नीचे कौन सा वाला 4, ये नीचे आ जाएगा, ध्यान रखोगे इस बात का, और ऊपर होता तो नीचे वाला ऊपर आता, कितना पाई अपॉन 4 × 6 मीटर स्क्वायर, ऊपर है मीटर स्क्वायर नीचे है, एक कट गया इससे, तो क्या आ गई प्रोबेबिलिटी पाई अपॉन 24, बस ये तुम्हारा आंसर आ गया, पाई की वैल्यू रख सकते हो आप, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है सवाल, गुड वेरी गुड, ओके एवरीवन, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, अ लोट, तो लोट मतलब ऐसा होती कुछ इस टाइप से, इसमें कितने पैन है, ये पैन रखे, पैन कितने पैन टोटल, टोटल पैन कितने हैं 144 टोटल है, तो ये क्या हो गया एनएस, क्या हो गया एनएस हो गया, गुड पैन कितने, गुड 124, गुड पैन कितने इसमें, सॉरी बैड डिफेक्टिव पैन कितने, डिफेक्टिव पैन कितने, डिफेक्टिव पैन हो रहा है इसमें 20, तो गुड पैन कितने होंगे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पैन कितने 20, तो नंबर ऑफ अक्सर नंबर ऑफ गुड पैन कितने होंगे, कितना होंगे मतलब 144 में से कितना आएंगे, ये कितना आएंगे 124 गुड पैन आ गए, तो वो क्या नूर क्या कह रही है, सिविल बॉय हिट किसको, गुड पैन को, किसे परचेस कर रही हो, गुड पैन को, तो गुड पैन क्या क्या होगी प्रोबेबिलिटी, नूरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पैन, गुड पैन बॉय, गुड पैन बॉय क्या होगा, तो गुड पैन कितने 124 अपॉन कितना 144, कितनी बार कट रहा है 31/36, इसे काट के देख लेना ठीक है, आंसर आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ गई गुड पैन की, गुड पैन बॉय बाय बाय बोलते हैं सब, बी यू बाय कितना 31/36 प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉइंग गुड पैन, तो नॉट गुड पैन की नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ, दूसरा पार्ट क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गुड पैन, हाँ भाई चलो कौन बताएगा,
गुड, अगर हमारे पास गुड पेन के आगे प्रोबेबिलिटी और नॉट गुड की निकालनी है क्या करेंगे? ये दोनों इवेंट कैसे है कॉम्प्लीमेंट्री, एक गुड की है और एक एक मतलब किसकी है डिफेक्टिव की है, तो एक तो मतलब यस की है और एक क्या नोट की है, तो एक हाँ की और एक ना की, ये क्या होती है कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है नोट निकालना, तो बस वन में से लेस करते हैं किसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड की, गुड पेन वाली। अरे वही तो है ये पीई, पीई प्लस पीई बार और इक्वल टू कितना वन, मैंने बताया था ना अक्रिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अक्रिंग का सम कितना होता है वन, क्लियर है ना? तो बस वही करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गुड, नॉट गुड को क्या कह सकते हैं हम डिफेक्टिव, इक्वल टू कितना, तो वन माइनस ये कितना 31 अपॉन कितना है 36, इसका एलसीएम कितना आएगा 36 माइनस 31 तो 5 अपॉन कितना आएगा 36 आंसर, क्लियर है? ओके ओके, एक बार सचिन समझा दिया आपके साथ, देखो इस तरह से खड़े होते हैं पूरा कोर्स, ए लोड कंसिस्ट ऑफ 144 वॉल पैनल्स ऑफ व्हिच 20 आर डिफेक्टिव पूरा क्वेश्चन ना पढ़ा करो, ऐसे बता दिया करो कि एक लोट है उसमें 144 पैन है, ऐसे एक लोट है जिसमें 144 पैन है, गुड कितने टोटल, सॉरी डिफेक्टिव 20 है, गुड आएंगे तो घटा दो, कट के 31 अपॉन 36 आ गया 36। हाँ आ जाएगी आवाज, आ जाएगी। सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गुड पेंस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेंस बिकॉज दीज आर नॉट प्रोबेबिलिटी पेंस, 1 माइनस 31 अपॉन इज इक्वल टू 36। हमारा 36 एलसीएम आ गया, हमारा 36 माइनस 31 इज इक्वल टू 5 अपॉन 36। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर क्या 22 है, 22 में क्या करते हैं हम लोग कि ये टू डाइस, तो इसमें क्या है ना एक ग्रे कलर का है एक ब्लू कलर का है, ब्लू डाइस है और कैसा है ग्रे, तो ब्लू और ग्रे से कोई मतलब नहीं है, हमें चाहे ब्लू डाइस है उस पर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, ग्रे डाइस है उस पर क्या है 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ, जो सैंपल स्पेस नॉर्मली होता है वही सैंपल स्पेस सबका होता है, क्लियर है? ओके, तो उसने क्या बताया सम दे रखा, सम इवेंट सम ऑफ डाइस टू डाइस, तो एक बार टू के लिए क्या आएगा वन, बस एक ही वो है इसमें, क्लियर है? थ्री के लिए क्या आएगा कितना आउटकम्स होंगे, थ्री के लिए कितना आउटकम्स होंगे, कितने होंगे मतलब टू ही होंगे ना यार, एक ही वाला वन टू और एक टू वन, तो कितना आया 2 अपॉन 36, क्लियर है? सोल्व करने से कितना आएगा 1 अपॉन 18, कट कर लेंगे तो सर 4 के लिए क्या आएगा अक्षत 1 2 3 एक कम करके, तो कितना अपॉन कितना है 36, 3 बन जाए 3 12, 5 के लिए वैल्यू 1 2 3 4 एक कम करके बता दो कितना आ गया 4 अपॉन कितना 36 और 1 अपॉन कितना 9 आ गया, फिर 6 का कितना आएगा 5 अपॉन ये नहीं कटेगा, 7 का बताओ क्या था 6 अपॉन कितना 36, 8 का 7 से ऊपर जितने भी नंबर है 13 में से लेस करेंगे, या देख लो वहां पे गिन लो कि 8 के कितने 8 के 8 का 1 2 3 4 5, तो ये कितना 8 का, चलो ये तो 5 का तो नहीं कर दो, इसे कितना का 9 का 4 अपॉन कितना है 36 कितना आएगा 4 नाम 36 बन अपॉन 9 आ गए, और 10 का कितने 3 अपॉन 36 तो कितना 1 अपॉन 12,
और 11 कितना आएगा 2 upon 36 तो 1 upon 18। तुम समझ में आई नहीं है, बताओ बात। बेटा एक काम करो, जो तुम्हारा 2 था ना 2, इसकी प्रोबेबिलिटी मान लो कितनी, पी ए, क्या मान लो इसे पी ए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या मान लेते हैं पी बी, भावना सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या मानी है पी ए, पी ए से रिप्रेजेंट कर दिया, और सम 3 आने की कितनी पी बी, इवेंट बी मान ली, और सम 4 आने की कितनी मान लेते हैं पी सी, और इसके पी डी, इसके पी डी ई, और इसकी कितनी है पी एफ, और कितना पी जी, और इसे कितना पी एच, और इसे कितना आई जे, बस एक और रह गया लास्ट वाला, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ के। क्या कोई भी प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो बोल दो, लिखना तुम्हें इसके नीचे, दीज प्रोबेबिलिटी आर डिफरेंट टोटल, ओके, दैट्स व्हाई दीज इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट, ये इक्वली लाइकली नहीं है, एंड नॉट ऑल्सो सिमिलर ऑफ 1 upon 11, 1/11 के भी सिमिलर नहीं है, कोई भी नहीं आई, क्या बोल दिया इसे सिमिलर नहीं है, ओके क्लियर है, तो आप समझ पाए होंगे इसे, क्वेश्चन बढ़िया था, ठीक है, पॉज इट एंड नोट डाउन इट फास्ट, समझ में ओके। तो इसका सॉल्यूशन है, इसमें पहले सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा 3 कॉइन का, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, ठीक है, तो एस कल टू कितना आएगा, अच्छा बताओ एक कॉइन का कितना आएगा हेड टेल, दूसरे का भी कितना आएगा हेड टेल, और तीसरे का भी क्या आएगा हेड टेल, क्लियर है, पहले इन दो की ये पहले कॉइन का है, ये दूसरी बार में है, ये कौन सा है तीसरी बार में, तो आना हेड टेल, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो आप, पहले इन दो की करो, करो दो की मल्टीप्लाई हेड हेड, फिर किसकी, फिर टेल में करो हेड टेल में, मैंने हेड की क्या कर दी, यहां भी कर दी यहां भी कर दी, अब टेल की मैं करो टेल की भी, ये टेल हेड और टेल टेल, ये तो पता ना आपको दो का, पहले दो की मल्टीप्लाई कर लिया आपने, अब ये करो ऐसे तीसरा ऐसे लिखा रहे दो हेड और टेल, अब क्या करें इसमें पीयूष, अब इस पूरे की मल्टीप्लाई इसमें करो उन दो उसमें और इसमें, तो हेड 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 कर दिया, फिर हेड हेड टेल, फिर इसकी करो उसमें, फिर ये हेड 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 टेल हेड हेड टेल हेड, फिर क्या होगा हेड हेड टेल, फिर किसकी मल्टीप्लाई करो इसमें इसकी टेल हेड टेल, फिर किसकी फिर टेल हेड टेल हो गया, इसकी टेल टेल हेड, फिर टेल टेल टेल, कितना आगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 आठ आने चाहिए, आठ कहाँ पे मल्टीप्लाई करवाओ उसको दोबारा, सब दोबारा कराओ कराओ ध्यान से हेड हेड हेड, फिर इसकी हेड हेड की उसमें टेल में कराओ हेड हेड टेल, पहले काम खत्म, अब दूसरे का देखो इसमें हेड टेल हेड, फिर ये कितना हेड 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 टेल टेल, तो यही तो आएगा, अब इसकी इसमें करो टेल हेड हेड टेल हेड हेड, फिर टेल हेड फिर से टेल, फिर ये टेल 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 और फिर हेड टेल टेल हेड, फिर टेल टेल टेल, कितना आ गई
एक दो तीन चार पांच छह दो आठ, सही है। तो एनएस कितना आ गया इससे निकल के, एट आ गया। अब क्या बोला हमने, सेम रिजल्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इधर उधर चेंज है ना, ये इधर है ये इधर है, कॉइन तीन है, अलग इवेंट है। सुनो सेम, क्या बोल रहा हूं मैं, सेम। तो मैंने माना नंबर वन में सेम सेम आ रहे, सेम सेम कौन 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 से ही मान लो, एक तो हेड 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 और एक टेल टेल टेल, यानी कि ये हेड हेड कहां पे, ये वाला और एक लास्ट वाला, सेम सेम कितने तीनों में, एक तो ये हेड 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 है, टेल टेल कितने हो गए, दो हो गए, कितने हो गए, एनी टू हो गए, ओके फाइन, क्लियर है। तो सेम आनेगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, एक्सेप्ट एनी अपॉन एनएस, तो कितना टू अपॉन 36, क्योंकि सैंपल स्पेस कितना पूरा ओ तेरी एट है, यहाँ पे डाइस ना यहाँ पे कार्ड दो से टू वन जेड टू फोर एट, कितना आ गया अपन अपॉन फोर, ये किसके आ गई, सेम आने की, क्या आ गई है सेम। अब नोट सेम की, तो नोट सेम की यहाँ निकाल देता हूँ मैं दूसरा, तो पी आपको फॉर्मूला बता हुआ एक पीई, ये सेम आने की है, और नोट सेम की पीई बार इक्वल टू कितना बन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो पी कितनी निकल गया अभी वन अपॉन फोर प्लस पीई बार इक्वल टू कितना बन पी बार कितना निकल गया इससे निकल के वन माइनस वन अपॉन फोर, और इसमें क्या आ गया फोर एलसीएम आ गया, तो फोर माइनस वन इक्वल टू कितना है थ्री अपॉन फोर, दैट इज योर आंसर, ओके। तो आपने क्या करा तीन कॉइन का, ये सबसे बड़े मेथड है, पहले हेड टेल लिखा हेड टेल, ये पहले कॉइन का है, ये दूसरी बार में, ये तीसरी बार में, फिर पहले दूसरे की मल्टीप्लाई कर ली जो आया, फिर तीसरे में कर ली, इस प्रकार क्या मिले एट आउटकम्स मिल गए, ठीक है। मालूम क्या किया था उन्होंने, सेम वाले, तो सेम वाले कितने हेड 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 एक और टेल 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 दो ही है बस, तो बस सेम वाले ये आ गए टू, और टू अपॉन कितना एट, और फिर नोट का मालूम क्या था, तो वन में से लेस कर दिया तो नोट का आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने क्वेश्चन कर लिया, एक बार ट्राई करना, ओके, सॉल्व इट एंड नोट डाउन इट फास्ट।